इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हम इस इलेक्शन को बदलाव की तरह देख रहे हैं कि यहाँ बदलाव ज़रूर आएगा और हमारी यही सोच है बदलाव आना भी चाहिए। देखिए जमात की एक अपनी पॉलिसी है, हम किसी पॉलिसी बैरूनी पॉलिसी के तहत हमारा मौकफ़ नहीं है, हम जब चाहेंगे हम इस मैदान में आएंगे, लेकिन अगर साफ शफाफ इंतखाबात हमेशा मुंतखब होते रहेंगे, मुनक़द होते रहेंगे तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी नई कोई सोच नहीं है। हमने 71 से 87 तक इलेक्शन लड़े हैं, 87 के बाद जब यहाँ रिकिंग हुई है कांग्रेस और नेशनल ने मिलकर जो हमारे साथ उस वक्त बड़ा गलत किया है, हमारे लोगों हमारे मैंडेट को कैंडिडेट्स को बंद रखा है, दूसरी तरफ अनाउंसमेंट अलग हुए हैं, रिगिंग हुई है, तो हम एहतियाजन तौर इलेक्शन से बाहर थे। लोगों ने बहुत सारे मसाइल गिने हैं, जहां तक इन किश्तीबान इलाका जात की तरफ जब हमने दौरा किया है, यहाँ मेन मसला है वाटर बॉडीज़ का, पानी साफ़ नहीं है, लोगों को पीने का पानी मैसर सही तरीके से नहीं है, जो टाउन एरिया है वहाँ पर तरक्की नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, रोड्स का मसला है। यहाँ मेन मसला जो एक बहुत बड़ा ब्लॉक है बुनकूट की तरफ से NHPC का, वहाँ हमारे लोग एडजस्ट होनी चाहिए, और पानी बिजली इसी तरह मेडिकल फैसिलिटी NHPC के अहाते 5-6 किलोमीटर तक लोगों को फ्री होनी चाहिए। और एक मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ पर है, यहाँ पर लड़कों को अक्सर सताया जाता है, बंद रखा जाता है, तो हम चाहते हैं कि अमन अमान का माहौल कायम हो और हमारी आवाज़ ही होगी कि हम इन हर चीज़ों पर काम करने की कोशिश करेंगे।